इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। कंचनपुर नवलपुर जिले में भले ही रेत का ठेका हो गया हो, लेकिन कुछ प्रक्रिया पूर्ण न होने से ठेकेदार कार्य आरंभ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका पूरा लाभ अवैध रेत कोयला कारोबारी खादी और हाकी के सहयोग से बेहिचक ले रहे हैं, जिसमें खनिज विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसमें इन दिनों कंचनपुर और नवलपुर क्षेत्र सुर्खियां बटोर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोहागपुर ब्लॉक मुख्यालय से लगे क्षेत्र कंचनपुर नवलपुर सहित क्षेत्र में बेरोक टोक रेत कोयला उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसमें खादी की दखलंदाजी और हाकी का जमकर सहयोग मिलने से रेत कारोबारी चौथे आसमान में है। बताया गया है कि इन क्षेत्रों में राजस्व भूमि से रेत उत्खनन और परिवहन कराने के नाम पर जमकर वसूली भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व के नाम पर प्रति हेक्टेयर हर महीने की वसूली विभाग के कृपा पात्र बिचौलियों द्वारा की जाती है, जिसमें सभी जिम्मेदारों को उनके योगदान के मुताबिक हिस्सा पहुंचाया जाता है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि खनिज विभाग की वसूली खुद विभाग के एक जिम्मेदार के द्वारा तय तारीख को कर ली जाती है। पुष्ट सूत्र बताते हैं कि चिन्हित जिम्मेदार अधिकारियों के फोन का कॉल डिटेल निकलवाकर सूक्ष्म जांच की जाए तो चौंकाने वाले रहस्य सामने आएंगे। बहरहाल इस मामले में जल्द ही कई ऐसे तथ्य सामने आने की प्रबल संभावना है, जो जिम्मेदारों के मुंह से मुखौटा हटाकर चेहरा बेनकाब करेंगे। विदित होवे कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर कई वीडियो और फोटो बीते दिनों वायरल हुए, जिसमें जिले के नवलपुर में कोयला और कंचनपुर में रेत कई क्षेत्रों की जानकारी सामने आई, जिसकी पुष्टि की गई तो ये तथ्य सामने आया कि यहां जिम्मेदारों द्वारा ही सहयोग प्रदान कर रेत और कोयला परिवहन कराया जा रहा है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।